सो सीधी सी बात है, सीमन जो है हमारा, सीमन इज इक्वल टू स्पर्म प्लस जितने भी आपके एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड फ्लूड्स होते हैं, सेमिनल फ्लूड हो गया अपना, प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया अपना, ठीक है, तीनों ग्लैंड की सिक्रेशन को मिलाकर हम सीमन बोलते हैं। तो इसमें 4 ml सीमन सिंगल इजेक्टुलेशन में रिलीज होता है। और इस 4 ml के अंदर हमने बताया था आपको मैक्सिमम 400 मिलियन स्पर्म्स होते हैं मैक्सिमम। अगर आप मिनिमम लेके चलोगे तो 200 मिलेंगे आपको, 200 to 400 मिलेंगे, ठीक है, ये मान सकते हो। तो मतलब पर एमएल के हिसाब से आप लेके चलोगे कि पर एमएल के हिसाब से अगर हम नॉर्मल स्पर्म काउंट करें, मतलब 1 ml में अगर हम लेके चले तो 1 ml में 20 से 120 मिलियन 100 मान के चलो, 120 तक मान के चलो, 120 मिलियन स्पर्म पर एमएल होता है 1 ml में, इतने स्पर्म तो होना तय है। क्लियर है बात? यस सर। अब कुछ इसमें जो आपकी टर्म्स आती हैं, वो टर्म्स क्या हैं देखो। पहली टर्म आती है ओलिगोस्पर्मिया। क्या आती है? ओलिगोस्पर्मिया। अगर आपका लेस स्पर्म इंसिडेंट इन सीमन अगर है, उसको हम क्या बोलते हैं, तो कितना है, लेस देन 20, 20 मिलियन पर एमएल अगर आपका इससे कम है तो उसको बोलेंगे ओलिगोस्पर्मिया। फिर दूसरा आपका है निक्रोस्पर्मिया। निक्रोस्पर्मिया में निक्रो का मतलब ही क्या होता है, डेड। इफ देर इज ए डेड स्पर्म, इफ देर इज ए डेड स्पर्म इन सीमन, इफ देर इज ए डेड स्पर्म इन सीमन, ठीक है, इफ देर इज ए डेड स्पर्म इन सीमन, उसको बोलते हैं निक्रोस्पर्मिया। देन थर्ड आपका जो है उसको हम बोलेंगे एजोस्पर्मिया। एजोस्पर्मिया में क्या होता है, नो स्पर्म इन सीमन, सीमन के अंदर कोई स्पर्म होगा ही नहीं, एब्सेंट होगा एक तरह से, उसमें नियरली एब्सेंट। फिर एस्थिनोजूस्पर्मिया, स्पर्म लैक्स इन वाइग्रस मोर्टेलिटी। लो स्पर्म मोर्टेलिटी, या एब्सोल्युटली लो स्पर्म मोर्टेलिटी, बिल्कुल सही कहा आपने। देन फिफ्थ आपका है किरेटोजूस्पर्मिया। और स्पर्म की जो शेप एबनॉर्मल वगैरह टॉर्सन। है, देखो एबनॉर्मल शेप या डिफेक्टिव मेल स्पर्म मॉर्फोलॉजी। अब स्पर्म की मॉर्फोलॉजी आपने कल पढ़ी थी, वैसे हमारा स्पर्म का जो शेप है वो स्पून शेप होता है हेड के हिसाब से अगर हम देखें, ठीक है, डिफेक्टिव मेल स्पर्म मॉर्फोलॉजी। ये 5 टर्म्स जो है ना आपके एग्जाम में बहुत बार इसके क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है, और इस पे मैं आपको एक क्वेश्चन भी करवा सकता हूँ, और एक क्वेश्चन मैं आपको इसी को YouTube की डिस्क्रिप्शन में आपके इसी वीडियो में डालूंगा, वहां से नोट करना है, फिर आप वहां पे आंसर भी करोगे। क्लियर? यस सर। विच इज नॉट ए कॉज ऑफ, तो कॉज ऑफ मेल इनफर्टिलिटी। तो ये सारे टर्म्स इनफर्टिलिटी से रिलेटेड है, मेल इनफर्टिलिटी विच इज नॉट ए कॉज ऑफ मेल इनफर्टिलिटी। ये डाउट्स मुझे आ रखे हैं, ऑनलाइन आ रखे हैं, तो मैंने आपसे शेयर कर दिया। बी ऑलिगोस्पर्मिया, तो ये मुझे टॉपर पे डाउट आया था, जो टॉपर पे काम करता था, तो तब उस पर रखा है, तो इसीलिए मैंने आपके साथ ये शेयर कर दिया। टेरेटोसोस्पर्मिया,
कुछ कुछ क्वेश्चन बहुत एक्सेप्शनल है ह्यूमन रिप्रोडक्शन के, मैं आपको बताऊंगा तो लेटर्स यूज कर लिए। एंड देन डी ऑप्शन भी आप इधर ही लिख लीजिए, एस्थिनो जू स्पर्मिया, एस्थिनो जू स्पर्मिया। ये जो चार टर्म्स हैं इसमें पूछ रहा है कि आप मेल इनफर्टिलिटी का कौन सा कारण नहीं है, आसान भाषा पूछा है इसमें, विच इज नॉट द विच इज नॉट ए कॉज ऑफ मेल इनफर्टिलिटी। बाकी सब तो कारण हो सकते हैं, ऑलिगोस्पर्मिया आपको पता ही, ऑलिगोस्पर्मिया लो लेस स्पर्म है, और टेरेटोजोस्पर्मिया अभी आपने पढ़ा डिफेक्टिव मेल्स मॉर्फोलॉजी होगी तो भी फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगी। एस्थिनोजोस्पर्मिया अभी आपने पढ़ा कि अगर उसकी स्पर्म की मोर्टेलिटी कम है तो भी वो फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा। तीनों कारण हो सकते हैं, बट अगर मोटाइल स्पर्म है ये तो अच्छी बात है ना, मोटाइल स्पर्म तो फर्टिलिटी करता है, मतलब वो तो एग को फर्टिलाइज कर सकता है, तो मोटाइल स्पर्म होना तो अच्छी बात है, वो तो कर सकता है, इनफर्टिलिटी को तो दूर करेगा वो। तो इसका आंसर आएगा ए, ऑप्शन ए, इज दैट क्लियर? हाँ जी सर, हाँ जी सर। यस सर। मैं कहना आपको बता, हाँ जी सर, यस सर, पॉलीस्पर्मिया दैट इज एज पर जो सत्यम आप बात कर रहे हो ना, जो एक्स्ट्रा टाइप्स वो पॉलीस्पर्मिया, ठीक है ना, ठीक है सर। नहीं वो सर, जैसे ए इनफर्टिलाइजेशन, स्पर्मिया, हाइपोस्पर्मिया हाँ वो उसमें ऐसे उसमें आता होते है, हैं। वो ठीक एक्स्ट्रा है, नहीं, वो उससे रिलेटेड नहीं है वो, आपको ठीक है सर। पॉलीस्पर्मिया एक अलग चीज है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन में आपको मैं एक क्वेश्चन में आपको शेयर करूंगा आपके डिस्क्रिप्शन यूट्यूब की, जो वीडियो जाएगी तो उसमें उसके डिस्क्रिप्शन में आप देखना, वहां पे क्वेश्चन मैंने दिया हुआ तो उसका आंसर करना वहीं पे देख के, ठीक है। तो ओके सर, फिलहाल तो अपने डाउट फॉर टेस्ट की तैयारी कीजिए और मिलते हैं फिर, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।